सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड योर विजय हेयर। और दोबारा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पाठशाला के चैनल पे। कार्टून बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के टर्म वन के एग्जाम में जो वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर है, जो वर्ल्ड वाली बुक से एमसीक्यू क्वेश्चंस आने, वो हमने कवर कर दिए। आपको आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितने वर्ल्ड वाली बुक से आ रहे थे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, वो हमने कवर कर दिए। नाउ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो इंडिया वाली बुक से आने वाले हैं, अब हम वो कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये वीडियो का पहला पार्ट है, असल में वीडियो के दो पार्ट आने हैं, क्योंकि एक पार्ट के अंदर सारे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विजय है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये पाठशाला के चैनल पे। चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। अब मैं उन सभी कार्टून को कवर करने जा रहा हूँ जो टर्म वन के एग्जाम से आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके चले जाइए, इन्हीं सेम कार्टून को पढ़ के चले जाइए, पेपर में आप जरूर किला फतेह करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वैसे तो इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले गए हैं कि व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंशन सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि अगर हम विस्थापन देखें, अगर हम विस्थापन या मैं बोल दूं बंटवारे को देखें, जो बंटवारा हुआ है जो, सॉरी ये लाइन नहीं है, बंटवारा जो हुआ है उस बंटवारे के परिणाम क्या निकले वो, और यहाँ पे विच ईयर इज बीइंग डोनेटेड इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कौन से साल के बारे में वर्णन करा जा रहा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 11th के 12th के बच्चे ने जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे वर्ल्ड वाली बुक के, वो सारे इसका आंसर आंख बंद करके दे सकते हैं, मतलब बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर वन का आंसर ये रहेगा कि पिक्चर पूरी तरीके से ये रिप्रेजेंट कराने जा रही है कि एक पेनफुल सीन था पार्टीशन का। अगर आप पेनफुल सीन देखें, अगर आप लोगों ने गदर मूवी देखी हो तो वो भी एक पेनफुल सिचुएशन थी, याद करिए गदर मूवी के बारे में दिखाया गया है, और वो मिल्खा सिंह भाग वाली मूवी के अंदर दिखाया गया कि पेनफुल प्रोसेस है, जहाँ पे एक कंट्री के लोग रातों रात अपनी ही कंट्री के अंदर बेगाने हो गए, क्योंकि कोलकाता और बंगाल जो था उनका पार्टीशन करा गया हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों की वजह से। तो इसीलिए ये पिक्चर ये डोनेट करने की कोशिश कर रही है कि पेनफुल सीन है पार्टीशन का। अब यहाँ पे इसके परिणाम क्या हुए, इसके परिणाम हुए सांप्रदायिक दंगे, लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहे, लोगों को सोशल सफरिंग हुआ, मतलब लोग सामाजिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा टूट गए, कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन चिंता होने लग गई, और पूरी कंट्री पूरी तरीके से वित्तीय संकट से जूझने लग गई, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो आपका इंडिया हो। तो बहुत बेसिक सा आंसर है जो आपने देना होगा, और आप इस कार्टून को देख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन सा साल है ये, ऑफकोर्स 1947 है ना, पार्टीशन तो अनप्लान्ड हुआ था, हम सभी को लोगों को पता है अनप्लान्ड पार्टीशन 1947 के टाइम पीरियड में ही हुआ था। अब यहाँ पे दूसरा कार्टून है, एक और कार्टून है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे यह विशाल आंध्रा लिखा हुआ है, यहाँ महा गुजरात लिखा हुआ है, यहाँ समझौता कर्नाटका लिखा हुआ है, यहाँ बिहार महाराष्ट्र लिखा हुआ, बहुत सारे यहाँ पे देशों के राज्यों के नाम, सॉरी राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप देखें तो इसका शीर्ष क्या बात हो रही है, 26 जुलाई 1953 की। तो इस कार्टून के अंदर, ये कार्टून क्लास 11th के अंदर भी आया था, क्लास 12th वाले बच्चों के एग्जाम में दे दिया है, बट क्लास 11th में भी ये कार्टून देखने को हमें मिला था। अब यहाँ पे इस कार्टून के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पर्सन नेम इन दिस कार्टून इन द सेंटर, अगर हम देखें कि सेंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है आइडेंटिफाई करें तो कौन है, हमारे चाचा नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस कार्टून के अंदर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के बिहाव पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चाचा नेहरू जी, आपको पता है 14 तारीख को उनका बर्थडे भी, यानी कि कल उनका बर्थडे भी आने वाला है ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जो पहले देश के क्या है, ऑफकोर्स PM है, और पूरी तरीके से चैलेंज जो प्रिंसली स्टेट्स है जिनको भाषा के आधार पर बांटा गया था, उन सभी राज्यों के लिए एक चैलेंज की तरह ये बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है फजल अली कमीशन ने या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यही बोला था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना चाहिए, और यही बात हो रही थी। और यहाँ पे जब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने लगे तो हर राज्य ने डिमांड कर दिया कि हम भी अलग होंगे। आज हम 16 राज्यों से हट के 28 राज्य बन चुके हैं, और आने वाले समय में भी हम बनेंगे। तो मेरा आपसे कमेंट करवाने का मेन मकसद ये है कि आप ये पहला बताइए कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, ठीक है, कमेंट करिएगा ज़रूर, मैं देखता हूँ कि कौन बच्चा हमारे वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखता है। व्हाट डज पिक्चर इज एक्चुअली रेफर, ये पिक्चर एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ऑफकोर्स ये पिक्चर एक्चुअली दिखा रहा है कि राज्य को अगर लिंग्विस्टिक बेस बनाया जाएगा, भाषा के आधार पर बनाया जाएगा,
तो उसके डिसइंटीग्रेशन होने के बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ चीज़ें देखी जा सकती है। राज्य को भाषा के आधार पर अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पे गुजरात के अंदर भी 36 गुजरात बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी 36 उत्तर प्रदेश बन जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है, उत्तरी उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है ना। तो ऐसे भाषाओं के आधार पर बनाएंगे तो देश टूटना संभव है, तो इसलिए इंटीग्रेशन होना देश का बहुत ज़रूरी है। जब भाषा के आधार पर बोला तो कितनी भाषाएं, कितनी तो बोलियाँ हमारी कंट्री के अंदर है, कितनी बोलियाँ, लेकिन हमने 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज करा था, याद करिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है हाउ डिड इंडिया अवॉइड दिस ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया ने इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड करा। तो ऑफकोर्स देश में कहा कि जो भी राज्य भाषा के आधार पर बनेगा उसको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी और देश को डेमोक्रेसी के हिसाब से चलाया जाएगा। बहुत सिंपल सा है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आप इनको देख लीजिएगा और इसे आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं बताने जा रहा मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया है, हालांकि अगर आया भी है तो आपको देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। कुछ कार्टून आपको खुद से भी देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाला चैप्टर पेपर के अंदर आ रहा है। इसके अंदर ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैसेज इन दिस कार्टून कन्वे। अगर हम देखें तो ये पब्लिक सेक्टर दे रखा है और ये प्राइवेट सेक्टर दे रखा है, ये सहकारी है, ये निजी है, और यहाँ पे बीच में नेहरू जी बैठे हुए हैं। तो इस कार्टून में अगर हम देखें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंदर विवाद दिखाया गया है, और यहाँ पे ये सारे लोग, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। तो यहाँ पे इस कार्टून में क्या बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये कार्टून बैलेंस करने की ये कोशिश कर रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर दोनों में ग्रोथ होना जरूरी है और हमें दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। दूसरा, नेम द पर्सन हु इज मेकिंग एफर्ट बैलेंस इन द बोथ सेक्टर। कौन है व्यक्ति? ऑफकोर्स नेहरू जी, हमारे नेहरू जी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ही है ना, वो है जो दोनों चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ वॉज बोथ ऑफ दीज सेक्टर बैलेंस्ड, दोनों ही सेक्टर को बैलेंस कैसे किया जा रहा है। ऑफकोर्स दोनों को ना थोड़ी बहुत पावर दी जा रही है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड बैलेंस बिटवीन बोथ सेक्टर बाय अडॉप्टिंग मिक्स इकोनॉमिक। आपको पता है हम लोगों ने ना तो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाया है जो यूएसए के अंदर था, यानी कि सारा प्राइवेट कर दो, और ना ही हम लोगों ने यूएसएसआर की पॉलिसी अपनाई है कि सारा सरकारी कर दो, सरकार के अंडर में सारा कर दो। हमने ऐसा नहीं करा, हमने कुछ सरकारी भी रखा और कुछ प्राइवेट भी रखा। प्राइवेट कंपनियों को कहा कि अपना काम कर सकते हो बट परमिट लेना पड़ेगा, बस और क्या है। तो हमने ये करा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्टून है ये कार्टून भी पेपर के अंदर आया हुआ था। एक कटिन दे दी अखबार की और इस कटिन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नंबर वन क्वेश्चन है कौन से स्टेट की बात हो रही है इसके अंदर, तो आप देखेंगे बिहार की बात हो रही है, हंगर इन बिहार, है ना, इसकी बात हो रही है बिहार की। व्हाट इज फूड क्राइसिस, इसमें बता रखा ना 13 डाइज हंगर इन बिहार, 13 लोग जो है भूख की वजह से बिहार में मारे गए। तो यहाँ पे फूड क्राइसिस होती क्या है कि जितनों की जरूरत है, जितना खाने की जरूरत है उतना फूड मिल नहीं पा रहा है, वो फूड क्राइसिस है। सिंपल सा है, जितना खाना भी नहीं मिल रहा है उतना, जितना खाना है उतना नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है, फूड क्राइसिस है ना, ये फूड क्राइसिस है। दूसरा अगर हम देखें तो व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द फूड क्राइसिस, अगर किसी राज्य के अंदर या कहीं पे अगर फूड क्राइसिस होता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, या तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होगी और या तो किसी एक इलाके के अंदर जोनिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की चला दी गई होगी कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही गेहूं या पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही चावल उगाया जाता है। ऐसे वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हरित क्रांति का फायदा सभी राज्यों को नहीं हो पाया था, ऑफकोर्स नहीं हो पाया था, क्योंकि नदन प्लान के अंदर बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके साथ में क्या कहते हैं आपका पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा है, फिर पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, ये सारा नदन प्लान में आता है और यहीं पर एग्रीकल्चर हो पाता है, ठीक है ना। क्या इंडिया अपने फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ किया था? ऑफकोर्स उन्होंने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर आपको पता हो 1960 के दशक में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया जिसका मेन मकसद था कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, है ना, और वो हमने करा, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना था हमें और वो हमने करके दिखा दिया, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ओके, ये एक कार्टून हो गया। फिर ये वाला हिंदी चीनी बाय बाय लिखा हुआ है, यानी कि कार्टून जो है क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, ये कार्टून ये देने की मैसेज कर रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं चाइना और क्या कहते हैं इंडो चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को हम पूरी तरीके से रिसॉल्व करने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि हिंदी चीनी भाई भाई हमने नारा दिया था, हमने कहा था कि यार ठीक है जो हुआ सो हुआ। विच ईयर की बात हो रही है? 1962 की, जिस समय वॉर हुआ था, है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा था 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट कर लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंचशील एग्रीमेंट करा था, लेकिन आपको पता है चाउमन लाइन ने पंचशील एग्रीमेंट तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो हमें 1962 के अंदर हमें उनसे वॉर लड़ना पड़ा। और जब पहले हमारा नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारा था 1954 के अंदर, 55-54 के अंदर,
लेकिन जब 1962 के अंदर वॉर हो गया तो उसके बाद हमने हिंदी से नहीं बाय बाय का है ना, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश ये कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये कार्टून भी पेपर के अंदर आया हुआ है लेकिन आई डोंट थिंक दैट ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इतना ज़रूरी नहीं है। कार्टून आप आंसर देख सकते हो, इसकी स्टडी कर सकते हो, खुद से सेल्फ करना पड़ेगा आपको। हालांकि ये कार्टून बहुत कम रेयर चांस है, ये अलग कार्टून पेपर के अंदर आया हुआ है, आया राम गया राम हाय राम। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करेगी कि विच ईयर इज बीन रेफर्ड इन दिस कार्टून। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये कौन सी ईयर की बात हो रही है तो 1967 की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये वही समय था जिस समय 9 states के अंदर कांग्रेस सरकार को कॉलिनेशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी, ठीक है, जिस समय इंदिरा गांधी जी पहली बार PM कैंडिडेट बनने वाली थी। हु इज बीन कमिटेड इन अ पैरा आया राम गया राम। आया राम गया राम की पॉलिसी, ये स्लोगन क्यों चलाया गया था? क्योंकि अगर आपको बताऊं, यहाँ पे एक व्यक्ति थे हरियाणा के MLA गया लाल प्रसाद, हरियाणा के MLA थे, जिन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर ही 3 पार्टियां बदल दी, यूनाइट फ्रंट, ठीक है, पहले वो कांग्रेस से क्या करा उन लोगों, उन्होंने कांग्रेस से यूनाइट फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में आ गए और 9 घंटे के बाद फिर दोबारा यूनाइट फ्रंट में दोबारा चले गए। सो इसीलिए गया लाल प्रसाद की वजह से स्लोगन बहुत फेमस हुआ, आया राम गया राम। और फिर आपको पता है कि दल बदल कानून हमारी गवर्नमेंट लेके आई कि कोई भी व्यक्ति एकदम से क्या कहते हैं सरकारें नहीं बदल सकता। तो अभी कोई नया अगर आपको कैंडिडेट पता हो, कोई MP पता हो, कोई MLA पता हो, तो उनका नाम ज़रूर लिखिएगा, बहुत चर्चा में चलते हैं वो, है ना, और उन्होंने कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के अंदर आ जाते हैं, और कभी क्या कहते हैं BJP में से थे वो। तो ये है चीज़ हमारे इंडिया के अंदर, सत्ता जहाँ मिलती है लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। ये कार्टून था, तो भाई ये वीडियो का पहला पार्ट था, वीडियो का दूसरा पार्ट हम आपके लिए ऑन डिमांड लेके आएंगे। मुझे कमेंट करना है 100 लाइक अगर मुझे मिले इस वीडियो पे, तो मैं दूसरा पार्ट जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है, वरना तो नहीं, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए, बाकी हम जल्दी आगे मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दिस इज इट इन दिस वीडियो।